मेष राशि, आज अपने रिश्तों में तनाव बिल्कुल ना बढ़ने दें। बुजुर्गों की बात को नजरअंदाज ना करें। त्वचा की समस्या थोड़ा सा बढ़ सकती है, स्किन एलर्जी हो सकती है। शुभ रंग होगा लाल। आज हरी फल सब्जियों का दान जरूर करें। बात करते हैं वृषभ राशि की। मानसिक तनाव बिल्कुल ना बढ़ने दें, शांत रहिए। नौकरी के योग मजबूत होंगे। सुबह के समय योग और ध्यान करें। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी। आज शिवलिंग पर एक चुटकी मूंग जरूर चढ़ाएं। मिथुन राशि की बात करते हैं मित्रों। अपनी सोच को सकारात्मक रखें, पॉजिटिव रखें। आजीविका के नए आपको अवसर मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में कोई चेंज नहीं करना है। शुभ रंग है आपके लिए सफेद। आज देवी लक्ष्मी को थोड़ा सा सिंदूर अर्पित कर दीजिए। आइए मित्रों, बात करते हैं पहले उस महाउपाय की जो आपकी धन की समस्या को खत्म करेगा। मित्रों, आज पापांकुश एकादशी है। सुबह के समय भीगा हुआ 7 अनाज, चाहे तो 5 मुट्ठी ले लीजिए, 7 मुट्ठी ले लीजिए, पक्षियों को डालिए और शक्कर में तिल मिलाकर पीपल की जड़ में डाल दीजिए। आज ही के दिन इस उपाय को करिए, भरपूर लाभ की प्राप्ति होगी, रुके हुए पैसे की प्राप्ति होगी और अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं तो यह उपाय आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा। आइए अब जान लेते हैं कर्क सिंह कन्या का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, पुरानी योजना से आज आपको धन लाभ जरूर होगा। रिश्तों में किसी के साथ धोखेबाजी ना करें, ऐसा ना हो मित्र बनाए और मित्र के साथ धोखा करें या अपने परिवारजन में ही किसी के साथ धोखा करें, यह सब गलत बात है। पुराना रोग आज उभर सकता है। शुभ रंग है आपके लिए लाल। आज कन्याओं को हलवा जरूर खिलाएं। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। अपने आप पर आपको भरोसा रखना होगा। तामसिक भोजन से दूर रहें। व्यापार में सफलता मिलेगी। शुभ रंग है आपके लिए गेरुआ। आज देवी लक्ष्मी को गुड़ और चने का भोग लगाइए और छोटे बच्चों को बांट दीजिए। बात कर लेते हैं मित्रों कन्या राशि की। आज आपको मित्रों का साथ मिलने वाला है। अपने प्रयास, अपने एफर्ट्स आप बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। छात्रों के लिए दिन बहुत अच्छा है। शुभ रंग है आपके लिए सुनहरी। आज एक पीला कनेर का फूल, मात्र एक पीला कनेर का फूल भगवान विष्णु को अर्पित करिए, फिर देखिए कैसे आपके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। आइए मित्रों, बात कर लेते हैं दूसरे उस महाउपाय की जो आपके हर कार्य को सिद्ध कर सकता है, हर बिगड़ी हुई बात को बना सकता है, चाहे वो आजीविका की हो, नौकरी की हो, व्यापार की हो। तो कौन सा है महाउपाय, आइए आपको बताते हैं। अपने नहाने के पानी में मात्र 3 चुटकी सेंधा नमक डालकर स्नान करिए और आज के दिन एकादशी के दिन ओम मंत्र का मात्र 27 बार जाप कर लीजिए। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाइए, सफलता जरूर प्राप्त होगी। आइए अब जानते हैं तुला वृश्चिक धनु का दैनिक राशिफल। तुला राशि, आजीविका में कोई बदलाव ना करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। आज मित्रों की मदद करें। शुभ रंग है आसमानी। आज पक्षियों की सेवा जरूर करनी है। वृश्चिक राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, मित्र से अलगाव भी खत्म होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। रुके हुए धन की आज आपको प्राप्ति होगी। देवी दुर्गा को एक गुड़हल का पुष्प अर्पित करें। अगर गुड़हल का पुष्प ना मिल पाए तो पीला फूल भी आज अर्पित जरूर करिए। अगली राशि धनु राशि। आज पुराने रिलेशन से, पुराने संबंधों से बहुत लाभ होगा। नए अवसर की प्राप्ति होगी। शाम तक व्यापार में किसी को आप उधार मत दीजिएगा, बहुत नुकसान हो सकता है। शुभ रंग गेरुआ। आज बच्चों को कुछ ना कुछ उपहार जरूर दीजिए। आइए मित्रों, बात करते हैं तीसरे उस महाउपाय की जो आपकी सेहत को अच्छा करेगा। मित्रों, सुबह के समय खाली पेट गुनगुने पानी में शहद आप मिलाकर उसका सेवन करें। पाचन तंत्र में कहीं ना कहीं सुधार जरूर होगा। आइए मित्रों, बात कर लेते हैं मकर कुंभ मीन राशि के दैनिक राशिफल की। मकर राशि, व्यापारिक रिश्ते आज बिल्कुल खराब ना होने दीजिए। अपनों से बिगड़ी बात बन सकती है। रुके काम में आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग है आपके लिए गेरुआ। आज पीले फल का दान सर्वोत्तम साबित होगा। कुंभ राशि, आज नई नौकरी मिलने की संभावना जबरदस्त बनी हुई है। अपनी वाणी पर आपको संयम रखना होगा। व्यापार में सहयोगियों का भरपूर आपको साथ मिलेगा। शुभ रंग आसमानी।
आज देवी लक्ष्मी को एक अनार का फल जरूर अर्पित करें। मीन राशि, आज बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े लोगों को बहुत नुकसान हो सकता है, थोड़ा आप ध्यान रखिए, शनि वैसे भी वक्र अवस्था में है। पिता से कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, नौकरी में कोई बदलाव भी ना करें। शुभ रंग है आपके लिए जामुनी। आज प्रभु श्री राम भक्त हनुमान को एक मीठा पान अर्पित कर दीजिए तो हर बिगड़ी बात बन सकती है। आइए मित्रों, बात करते हैं चौथे उस महा उपाय की जो हर दुख परेशानी और संकट से आपको बचा सकता है। मित्रों, एक सफेद कागज पर केसर से, केसर में थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए या गुलाब जल मिला लीजिए, केसर से ओम लिखकर अपने पर्स या पॉकेट में रखिए। ये छोटा सा उपाय करने से कहीं ना कहीं आप हर नकारात्मक ऊर्जा से बच सकते हैं।